क्षेत्र के किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो रहा है चलती रेल में वो फ्री लाइन का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कि प्रत्येक यात्री को पता होना चाहिए। आए दिन हम इस समस्या से उलझे रहते हैं क्योंकि दोस्तों आप सबको बता दें कि जब हम प्लेटफॉर्म पर जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और मुझे भूख लगा रहता है और स्टेशन पर मौजूद जो दुकान रहता है यदि हम वहां से सामान लेते हैं तो वो हमसे अधिक पैसा चार्ज कर लेते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ब्रेड हो, बिस्किट हो और अन्य चीज भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस पर भी शिकायत करने के बाद रेलवे कोई कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन दोस्तों लगातार यात्री का शिकायत जाने के बाद अब रेलवे एक्शन में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सब यदि कभी भी ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं और आप किसी प्लेटफॉर्म पर रुके हुए हैं और वहां पर कोई सामान खाते हैं या पीते हैं, यदि आपको प्राइस से अधिक पैसा लिया जाता है तो आप रेल मदद ऐप में जाकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आप वहां पर नहीं कर सकते हैं तो जिस स्टेशन पर आप मौजूद हैं वहां पर जाइए और वहां अधिकारी से आप कंप्लेन कर सकते हैं और इस पर एक्शन जल्द ही लिया जाएगा। जो दुकानदार आपको ठगेंगे उनको क्या सजा मिला या कितना उनको फाइन लगा वह सारा जानकारी उस शिकायतकर्ता को ही बताया जाएगा जो शिकायत करेंगे। यानी कि दोस्तों रेलवे पहले इस पर एक्शन नहीं लेती थी, उतना ध्यान नहीं लेती थी, यात्री बहुत बार कंप्लेन करते थे, लेकिन रेलवे अब इस पर काफी ज्यादा एक्शन ले रही है। तो दोस्तों इस खबर को आप लोग शेयर करिए ताकि जितने भी पैसेंजर हैं, जितने भी यात्री हैं जो ट्रेन में सफर करते हैं उन सबको खबर हो सके। साथ ही दोस्तों आपके दोस्त को भी पता चल जाएगा, आपके फैमिली को भी पता होना चाहिए कि अब यदि कोई भी ट्रेन बगी करता है तो उसका शिकायत आप रेल मदद ऐप में कर सकते हैं या तो आप जिस स्टेशन पर हैं वहां के अधिकारी को भी कर सकते हैं। वही दोस्तों भागलपुर रेलवे स्टेशन पर भी जागरूकता अभियान चलाया गया और स्टेशन परिसर पर जितने भी दुकान मौजूद थे उन सारे दुकान पर एक लिस्ट लगा दिया। आई होप कि गाइस आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब